चौहान मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने जानकारी देते बताया कि विनिमय क्षेत्र प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के ध्वस्तीकरण के आदेश और उससे संबंधित अपील के लंबित होने के बावजूद भी लहरा रोड पर स्थित सुभाष नगर कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माण को मौके पर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उस अवैध निर्माण को रुकवाया भी गया है। आज सुबह एक शिकायत प्राप्त हुई कि लहरा रोड पर सुभाष कॉलोनी में जिसके ऊपर विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी के कोर्ट से पहले भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो चुका है और जिसकी अपील अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में लंबित है, उस पर पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण करने के बाद शिकायत सत्य पाई गई और उसी क्रम में उस निर्माण को रुकवाते हुए उस निर्माण को तत्काल रूप से तुड़वाया गया। अगर आगे पुनः निर्माण की कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज करवाकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।